जय श्रीमन नारायण। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मंजू सती अपने ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों मंगलवार का दिन है, सुबह हो चुकी है और संकट मोचन हनुमान जी का दिन, तो आप भी लोगों के संकट दूर हों। और मैंने भी सुबह से पूजा पाठ कर लिया, बच्चे स्कूल गए, मैंने पूजा पाठ करी, तो पूजा पाठ करने के बाद मैंने सोचा आपको भी भगवान जी के दर्शन कराऊं ताकि आपका दिन भी शुभ हो। तो कीजिए भगवान जी के दर्शन, तो दोस्तों कीजिए संकट मोचन के दर्शन। ये जी पंचमुखी हनुमान, वीर बजरंग बली सबके संकटों को दूर करें, और सियावर रामचंद्र जी इनके साथ भी हनुमान सेवक इनके, तो कीजिए दर्शन आप लोग श्रीमन नारायण। तो दोस्तों कीजिए अपने दिन को शुभ और अपने कार्य कीजिए, और मैं भी चलती हूँ अपने कार्य करती हूँ रसोई घर में, बनाती हूँ अधिदेव के लिए नाश्ता और लंच, और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में रसोई घर में ही। तब तक आप लोग सभी अपना कार्य कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, तो ठीक है। चलो दोस्तों अधिदेव चल दिए ऑफिस और उनका नाश्ता पानी बनाया, उन्होंने ऑफिस भेज दिया और अपनी वही कार्य घर की दिनचर्या शुरू करती हूँ। दोस्तों किचन से स्टार्टिंग करिए, देखो किचन किस तरह फैली पड़ी, ये सब फैला पड़ा है अभी, तो सामान वामान सफाई कर रही हूँ मैं धीरे धीरे। तो ठीक है मैं किचन समेटती हूँ, तो पहले मैं काम निपटाती हूँ और आप भी अपने काम निपटाइए, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों काम निपट चुका है सुबह का, साफ सफाई लत्ते कपड़े सारे काम से फ्री हो गई और दिन के बज गए 12। थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, रेस्ट किया थोड़ा कपड़े कुपड़े सेटिंग करती हूँ, और मैंने ना एक सूट भी देना था सिलवाने के लिए, तो देखती हूँ अगर टाइम मिलता है तो जाती हूँ टेलर के पास, फिर दिन के खाने की तैयारी करती हूँ। बच्चे स्कूल गए हैं, 2:30 तक तक आएंगे, तो खाना रेडी चाहिए, तो अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तो देखती हूं थोड़ी देर पहले कपड़े भी संभालती हूं, उसके बाद मिलती हूं। दीदी भी काम करके चली गई है, सारा काम हो गया बढ़िया और घर हो गया क्लीन। देखो एक बार आप, मेरा घर पूरा क्लीन हो चुका है। ये वाला रूम दिखाती हूँ, बहुत दिनों बाद क्लीन हो चुका है ये भी। देखो दोस्तों मैंने ना ये वाला पॉट रखा है यहाँ पर, और आप दोस्तों घर क्लीन करने के बाद साफ सुथरा हो जाना तो ऐसा लगता है कि सारा काम हो गया है, घर का सारा काम निपट गया है। अगर घर समेटने में आ जाए तो पहले तो 1 घंटा समेटने में लगता है, क्योंकि सबको सुबह देर होती है, तो अपना अपना जैसे जिसने जैसे मर्जी फैलाना है, तो उसके बाद समेटने में 1 घंटा लगता है। तो दोस्तों सारा काम निपट के बच गया दिन का 1:30 और खाने की शुरुआत हो चुकी है, खाना बनाती हूँ। खाने में आज बनाऊंगी मैं गौर की दाल पहाड़ की, तो चलो मैं करती हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि 1:30 बज गया है, 2:30 बजे तक बच्चे आते हैं, थोड़ा टाइम तो लगता ही है खाना बनाने में। दोस्तों खाना खा लिया है, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं और बच्चों ने भी खाना खा लिया है, एक तो खाने के बाद वो देखो, और एक अभी जमी पड़ी है खाना खाने के लिए, ये खाना खा रही है। और मैं तो आपको दिखाना भी भूल गई, मैंने गौर की दाल बनाई थी, मैंने कहा दिखाऊंगी मैं तो। और मैंने ना आज एक स्पेशल चीज और बनाई थी, तिल की चटनी। दोस्तों ये मैंने तिल की चटनी बनाई थी, पीस के बढ़िया करके, तिल है और धनिया लहसुन और अमचूर पाउडर वगैरह मिक्स करके बहुत टेस्टी बनी है, दाल चावल के साथ खाई हमने। खाना खा के हो गए फ्री और थोड़ी देर करते हैं रेस्ट, और थोड़ी देर मैं सोच रहा हूँ आज मंगलवार को मंदिर में कीर्तन होते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर कीर्तन में जाऊं और वहां भी भजन सुनूं भी और आप लोगों को भी सुनाऊं, और थोड़ा सा भगवान के नाम का मौज मस्ती भी करेंगे, कीर्तन भजन भी करेंगे। तो फटाफट काम निपटाती हूँ, किचन बर्तन, और उसके बाद देखती हूँ मंदिर में कितने बजे चलते हैं, जब भी जाऊंगी आपसे मिलके जाऊंगी, तो ठीक है चलिए। तो दोस्तों सारा काम वाम निपटा के तैयार हो गई हूँ, मंदिर में जाती हूँ और कुछ माता रानी की भजन सुनते हैं, कुछ सुनाते हैं, तो चलो चलते हैं मंदिर और सुनते हैं माता रानी के भजन, ठीक है वहीं पर मिलूंगी, मैं भी गाऊंगी और झूमूंगी और आप भी झूमना मेरे साथ साथ। ये देखिए संकट मोचन आज हम इन्हीं के, मैं और अनीता जहाँ हैं हम दोनों ही हैं, तो शुरू करते हैं कीर्तन, चलते हैं, धूम मचाते हैं आज भी है, ठीक है। नहीं है वो मन तेरा मुझको।
प्रसाद मिलेगा, सभी लोग प्रसाद लेंगे। कन्हैया बैठ चुके हैं प्रसाद लेने के लिए। सबसे पहले जय नंदी माता की। तो दोस्तों कीर्तन से आ गई हूँ घर। घर आने के बाद अपने लिए थोड़ा सा गर्म पानी करा, गर्म पानी पीती हूँ और अब बनाती हूँ चाय। थोड़ी चाय पीते हैं। और अभी पतिदेव भी नहीं आएगा, ट्यूशन से छोटी वाली बेटी भी नहीं आई है, बड़ी वाली तो पढ़ाई कर रही है। तो मैंने चढ़ा दी चाय, वो भी कह रही कि मम्मा चाय बनाओ। चाय उबल चुकी है, अब इसमें दूध डालती हूँ और पीती हूँ चाय। और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ और देखती हूँ सब्जी सब्जी क्या बनेगी। तो फिलहाल चाय पीती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों परिदेव भी ऑफिस से आ चुके हैं, उन्हें चाय पानी पिला दी और खाना भी मैंने उनके आने तक रेडी कर दिया। आज लेट भी आए तो खाने बन गई है आलू टमाटर की सब्जी। ये देखिए क्या, हाँ भंडारे वाली सब्जी बनाई है मैंने आज आलू टमाटर की। ये देखिए दोस्तों भंडारे वाली सब्जी, सरसों का तड़का लगा के आलू टमाटर मेरे पास खड़ी है। तो इसने क्या करा ना कि बॉयल किए हुए आलू निकाल लिए तीन चार और कह रही कि मम्मी मेरे लिए ना पराठा बनाओ पराठा बनाओ। सुबह इन्होंने पूरी खाई है स्कूल में ले जाके, छोले पूरी, और अब इन्हें चाहिए पराठा। तो इसने आलू निकाल के बैटर भी खुली तैयार कर दिया। मैं दिखाती हूँ आपको एक बार इसकी हरकत। देखो दोस्तों इसने ना आलू का बैटर भी तैयार करके रख दिया, आलू प्याज मिला के, और ये रेडी लगी है और कह रही कि मेरे लिए पराठा बनाओ। और अभी ना गुन्नू से भी लड़के आ रही है कि मैं क्या बोलते हैं तुम्हें, तेरे को नहीं दूंगी पराठे। तो ऐसी है ये लड़ाकू विमान, क्योंकि उसने कुछ भी काम नहीं किया। देखो देखो काम नहीं किया। तो ठीक है इसके लिए एक दो पराठे बनाती हूँ और मैं और गुन्नू खाएंगे रोटी और परिदेव खाएंगे सब्जी। तो ठीक है मैं बनाती हूँ खाना और अब मैं इस ब्लॉग को दोस्तों यहीं पे एंड करती हूँ। कल मैं आपको मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, नई उमंग, नई तरंग और नई ताजगी के साथ। प्लीज मेरे ब्लॉग को खूब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।